हाय, दिस इज़ कविता। अवर टुडेज़ टॉपिक, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस, तो उसमें जो आज का टॉपिक है दैट इज़ नन एक्सेप्टेंस, कि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे लाइफ में हमेशा सिचुएशंस आती हैं, कभी कभी बैड सिचुएशंस आती हैं, कभी गुड सिचुएशंस आती हैं, कभी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, तो इस तरह से लाइफ जो है वो फुल ऑफ सिचुएशंस, फुल ऑफ सरकमस्टांसिस। तो और डिपेंड करता है कि जब हम कैसे उनको डील करते हैं, कैसे हम उनको उसमें किस तरीके से हम एक्शन लेते हैं, किस तरह से रिएक्शन देते हैं। तो दैट रिएक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि उसको कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो जब हमारी उसमें तीन तरह की सिचुएशंस होती हैं, सबसे पहले गुड सिचुएशन। तो जब गुड सिचुएशंस आती हैं तो सब बड़ा रोजी रोजी लगता है, सब कुछ बड़ा सनशाइन सा लगता है। जैसे somebody is going to get married और somebody is getting job, किसी को नया job मिल गया या कोई करियर में प्रमोशन हो रहा है, somebody is getting hike in salary, किसी की सैलरी बढ़ रही है या किसी का बिजनेस बहुत फ्लरिश हो रहा है, और या somebody is having baby। तो दिस काइंड ऑफ जब सिचुएशंस आती हैं तो वी फील गुडी गुडी, लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय, लाइफ सारी लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल लगती है हमें कि, और हमें सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि वी आर सराउंडेड बाय गुड पीपल और गॉड इज़ सो ग्रेसफुल टू अस, सो काइंड टू अस। तो हम उस सिचुएशन में वी आर फुल ऑफ जॉय, और वो कैसे निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन उसी तरह जिस तरह से गुड सिचुएशन आती है उसी तरह से बैड सिचुएशंस आती हैं, पर जब बैड सिचुएशन आती है तो पता नहीं हम एकदम से एकदम से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और सबसे पहली चीज़ होती है कि जब नन एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है, जब हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर बैड सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं कि वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल, हम या तो दूसरों को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में ये हो रहा है, या फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये नहीं होता, अगर और या फिर खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम सेल्फ बीटिंग मोड में आ जाते हैं और अपनी ही एनर्जी को डाउन कर लेते हैं। जबकि उस टाइम पे हमें अपनी एनर्जी को रेज़ करना चाहिए, अपने आप को इनक्रेज करना चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने आप को कि शायद मैंने ये नहीं किया होता, तो ये सेल्फ एनालिसिस मोड में, सेल्फ बीटिंग मोड में बार 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 उसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते कि अब सिचुएशन आ गई है तो आ गई है, इट्स ओके। हर तरह की सिचुएशन आती है, लेकिन अब कैसे रिएक्ट करना है उसको एक्सेप्ट करके, हाउ टू रिएक्ट टू इट, दैट इज़ द मेन थिंग। तो वो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं ज़रूरी है। इवन वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड ऑल्सो, कि गॉड आपकी वजह से ये हो रहा है, आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, हमने तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे जब गुड सिचुएशंस हमारे साथ आ रही हैं, जब अच्छा हुआ था तब हमने कभी भगवान से नहीं पूछा। तो ये तो लाइफ तो इस तरीके से चलती है ना, इट्स लाइक अ वेव, अप्स एंड डाउन इस तरीके से चलती है। तो जब अप्स आएंगे तो डाउन भी तो हमारे साथ ही होंगे ना, और इवन सभी की लाइफ में डाउन आते हैं, लेकिन जब हमारे लाइफ में डाउन आते हैं तो किसी की लाइफ में अप फेज चल रहा होता है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि पीपल अराउंड अस आर सो हैप्पी, दे आर गेटिंग गुड थिंग्स हैपन, आर हैपनिंग टू देम, नॉट फॉर अस। लेकिन हमने तब जब हम खुश थे तब हमने ये नोटिस नहीं किया है कि जब हमारा हाई पॉइंट चल रहा था तो तब वो लो थे, आज वो हाई है तो उनका वो वाला फ्लो उस तरीके से जा रहा है तो हमारा फ्लो डाउन जा रहा है। तो ये तो सबका फ्लो अपना अलग अलग, टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन जाना सबका इसी तरीके से है, सबका फ्लो लाइफ का वो अप एंड डाउन इसी तरीके से ही जाता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको एक्सेप्ट करके और अपने करेज को अपनी सेल्फ वर्थ को समझ के राइट माइंडसेट के साथ में, राइट अपना माइंडसेट राइट रखिए, पेशेंस रखिए, एंड टेक राइट एंड डू राइट एक्शन, टेक राइट एक्शन। तब हमें राइट एक्शन लेना ज़रूरी है, तभी हम उसको जल्दी से जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। और इसी तरह से जैसे गुड और बैड सिचुएशन आती है, इसी तरीके से क्रिटिकल सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे किसी को ऑल ऑफ सडन जो आ जाती हैं, एंड दीज आर मेजर इंसिडेंट ऑफ लाइफ, लाइक किसी को टर्मिनल इलनेस है, या फिर किसी को वी लॉस समवन एंड वी लॉस ऑफ अवर लव्ड वंस। तो दोज आर रियली 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 क्रिटिकल सिचुएशन। इवन उन सिचुएशंस में भी बजाय कि हम इंस्टेड ऑफ डूइंग एकदम से रिएक्ट करने के बजाय, वी शुड हैव पेशेंस, वी शुड हैव
सो मच ऑफ यू नो अपने अंदर के जो अपनी सेल्फ वर्थ है उसको नीचे नहीं डाउन होने देना है, अपनी अपनी एनर्जी को नीचे डाउन ना करके अपने साहस को जुटाना है और उसमें सही तरीके से एक्शन लीजिए। जिस तरीके से अभी कोविड आया था तो सो मैनी पीपल लॉस्ट दियर जॉब्स एंड दियर यू नो इतने सारे लोगों के जो बिजनेस थे वो बंद हो गए और वी लॉस्ट अवर लव्ड वंस ऑल्सो। तो बट वी यू नो वी जस्ट हम सब साथ में आए, हमने सब ने साथ में एक्शन लिया, यू नो लॉकडाउन शुरू हुआ, इट वाज यू नो ऑल ऑफ सडन ए मेजर इंसिडेंट इन अवर लाइफ, ऑल ऑफ सडन जो पहले कभी नहीं हुआ था, पर हम सब ने एक साथ इकट्ठे हुए एक साथ अच्छे से डिसीजन लिया एंड सम हाउ वी यू नो ओवरकम इट। मे बी कि वी लॉस यू नो हमने बहुत कुछ खोया भी इसमें, लेकिन स्टिल वी आर टुगेदर, हमने फिर भी हिम्मत दिखाई और वी आर जस्ट यू नो पासिंग थ्रू दिस। तो इस तरीके से अगर हम अपना मेंटल स्टेट थोड़ा सा सही रखेंगे और पेशेंस रखेंगे तो थिंग्स विल पासिंग ऑन, थिंग्स विल पास ऑन, जो बुरी चीज़ें हैं वो जल्दी से पास हो जाएंगी, जल्दी से गुजर जाएंगी। तो बस मैं यही कहूँगी आज के लिए, बस इतना ही। तो स्टे हैप्पी, बाय।